सनसेट स्टार्स। आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली एक न्यू शेप ले चुका है और इस न्यूली क्रिएटेड आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री चंद्रबाबू जी नायडू बने हैं। चंद्रबाबू नायडू को मैं अपनी तरफ से भी कांग्रेचुलेट करता हूं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी ने भी अपना मैसेज कांग्रेचुलेशन का चंद्रबाबू नायडू के लिए दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप में यह आंध्र प्रदेश एक न्यू हाइट को टच करेगा। और जैसे आंध्र प्रदेश में सातवाहन स्टेट एक ग्लोरियस स्टेट था, वैसे ही यह आंध्र प्रदेश भी अंडर द लीडरशिप ऑफ द चंद्रबाबू नायडू एक ग्लोरियस स्टेट बनेगा, यह मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। और मैं यह भी एश्योर करना चाहता हूं बीजेपी लेड एनडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और यह एश्योर करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह कहा है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ चंद्रबाबू नायडू को यह एश्योर कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम कोऑपरेशन इस आंध्र प्रदेश डेवलपमेंट के लिए जो भी हो सकेगा वह मैक्सिमम कोऑपरेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए प्रोवाइड करेगी। मैं जानता हूं चंद्रबाबू नायडू को चीफ मिनिस्टर के रूप में आपने भी इसके पहले देखा है, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी एफिशिएंसी और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल से भी हम लोग अच्छी तरह परिचित हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं और सारा देश पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि यह आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की लीडरशिप में निश्चित रूप से एक न्यू हाइट को टच करने में पूरी तरह से कामयाब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेचुलेट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।